आपके हिसाब से कौन था बेटर क्वारंटीन कुक, कटरीना कैफ जिन्होंने बनाए पैनकेक या फिर मलाइका अरोड़ा जिन्होंने बनाया मालावारी वेज स्टू? आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए समय आपका शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि आपको फटाफट से जवाब देना है। वैसे मैंने भी एक बार बनाया था मालाबारी वेज स्टू और मेरे दोस्त ने खा के किया था आथू, क्योंकि मैं खाना अच्छा नहीं बनाता ना, बट कोई बात नहीं, आप चुनिए। ये बताइए आपका फेवरेट डांस शो कौन सा है, डांस इंडिया डांस या डांस प्लस? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे यार मुझे लगता है जो डांस रियलिटी शोज है ना, ये कभी बंद नहीं होने चाहिए, चलते रहने चाहिए, खूब सारे चलने चाहिए। पता है क्यों? अरे यार ज्यादातर होस्ट मैं करता हूँ ना, तो मेरे लिए तो भैया बहुत अच्छी बात है। इस बात पे ज्यादा डांटते हैं, कम मार्क्स लाने पे या शरारत करने पे? आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे यार मैं बताऊं, ना गोलियों की बौछार से ना तलवार की वार से ना बच्चे डरते हैं तो अपने पेरेंट्स की मार से, पर मुझे लगता है कई बार पेरेंट्स की मार जरूरी होती है और इस मार को मैं इमोशनल हो जाऊं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप मुझे बताइए कि शाहरुख खान के ऑपोजिट डॉन 3 में आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, दीपिका पादुकोण या फिर प्रियंका चोपड़ा यानी हमारी पीसी? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे इस सवाल का जवाब तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, पर इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। वैसे यार दोनों बहुत अच्छी लगेंगी, पर आपके बताइए आप किस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप या IPL? आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार व्हाट एन आयरनी ना, मतलब 2020 में T20 नहीं हो रहा और IPL भी नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क हो कोरोना का। यार IPL नहीं देख पाएंगे और चीयर लीडर्स भी नहीं देख पाएंगे यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग मैन। चलिए